वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाई है, जिनको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आती है और पेंट में अभी शेडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको फ्लावर से कनेक्ट करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम लीव बनाएंगे इस तरीके से और बाद में फ्लावर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आराम से देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लीव ईज़ली बना सकते हैं, फ्लावर में प्रॉब्लम आती है तो पहले लीव बना लेते हैं। ऐसे तो हमेशा हम लोग फ्लावर पहले ड्रॉ करते हैं, तो कोई नहीं, हम दोनों तरीके से करेंगे। जो आपको ईजी लगे फिर आप उस मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बिल्कुल ही सिंपल लीव और सिंपल फ्लावर लिया है, बट इसमें मैं आपको पेंट करने का जो तरीका है वो डिफरेंट बताऊँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाई हैं, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो उसमें मैंने जो शेड्स बनाए थे, आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस भी किया और उसका आप लोगों ने दुपट्टा सूट्स बनाए हैं बिगनर्स, बिल्कुल बिगनर्स, और वो बहुत ही अच्छा लगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट करेंगे जिसमें मैं आपको शेडिंग डिफरेंट बताऊँगी। फ्रेम में जितना स्पेस है मैंने सारा उसको कवर कर लिया है, मैंने फ्लावर बना दिया है कि जितना ज़्यादा रहेगा उतने ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आपको समझ भी आएगा। फिर हम ऊपर भी इस तरीके से लीव्स बना लेंगे ताकि हमारी डिज़ाइन जो है वो प्यारी लगे। तो मैं दो दो लीव्स ऐसे ऐड कर रही हूँ, या तीन कर दीजिए जहाँ बैलेंस नहीं लग रहा। फिर हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो मैं फिर अभी बनाऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा। ये इससे क्या होता है कि आपकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। अब देखिए हम शेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से फिल कर रही हूँ मैं, ओके। आप इस तरीके से फिल करेंगे, लेकिन इसमें ये है एक पॉइंट आपको नोट करना है, मैं डायरेक्टली कलर फिल कर रही हूँ, बट उसमें मैंने कुछ जो लीव्स हैं वो डायरेक्ट जो लीव ग्रीन कलर आता है उस कलर को लगाया है, मतलब डार्क वाला, और फिर कुछ में मैंने वाइट उसको मिक्स कर दिया। आप कैप में बना लीजिए या आपके पास जो खाली बॉटल्स बचती हैं उसको आप अच्छे से वॉश करके रख लिया करें, फिर बाद में उसमें आप कलर मिक्स कर सकते हैं। कलर मिक्सिंग की भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है, तो अगर आपको वो देखना है तो वहाँ से आप सीख सकते हैं हल्के हल्का कलर कैसे बनाएं या डार्क। अब यहाँ देखिए मैंने बनाया था कि मैं उसको राउंड राउंड बनाऊँगी, फिर मुझे उतना ऐसे मैंने पेंट करते वक्त मुझे उतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने वहाँ पर लीव बना दी। क्योंकि आप जब पेंट करते जाते हैं तो आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं अपने आप से, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद से भी न्यू चीज़ जो है एक्सप्लोर करेंगे। इसी तरीके से वन बाय वन हम अपनी लीफ को कलर करेंगे, और मैंने इसमें ब्रश यूज़ किया, राउंड ब्रश है ये, और इसका नंबर है 4। तो ये हमारा राउंड ब्रश है जो 4 नंबर का है, आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप लोग ब्रश को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अभी हमारी बहुत सारी पत्तियां हैं पेंट करने के लिए, तो हम वन बाय वन सबको पेंट करेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। पेंटिंग अगर आपको बिल्कुल भी फैब्रिक पेंटिंग नहीं आती तो भी आप इजीली बना लेंगे, मैं उसी प्रोस्पेक्टिव से बना रही हूँ। क्योंकि जनरली अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कैसी पेंटिंग करती हूँ। अभी जो मैंने ट्रम्पेट वाइन का फ्लावर डाला है जो कि बिल्कुल ही रियल लुक पे है, तो वो चीज़ें आपके लिए हार्ड हो जा रही हैं। मैंने इसी उससे डाला है कि आप इसको आराम से बना लें, तो आप कोशिश करेंगे और बना लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें इजी रखी हैं। अभी मैं आपको 0 नंबर के ब्रश से उसको ज्वाइन करके भी दिखाऊंगी, तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि अगर आपके हाथ ज़्यादा फिनिश नहीं हो तो आपकी लाइंस कैसी आएंगी। अब हम ब्रश को अपना चेंज करेंगे, क्योंकि अब हमें 1 नंबर का ब्रश चाहिए, और हम डार्क सैप ग्रीन कलर या ऐसा कोई कलर ले लेंगे। हम अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क सैप ग्रीन, आप कोई और भी डार्क कलर यूज़ कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हम आउटलाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन को कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे, और अभी हम आउटलाइन भी करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जो हमने अभी लीफ बनाई है उसमें अभी तो कोई शेड्स नहीं डाले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता मैं आपको बिल्कुल ही फ्लैट बता के छोड़ दूँ। तो फिर मैं अभी आपको बताऊँगी, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया फिनिशिंग से तो आपकी डिज़ाइन बिल्कुल ही सिंपल होने के बाद भी बहुत ही प्यारी लगने वाली है। बस आपको ध्यान देना है, और उसके लिए आपको 0 नंबर का ब्रश यूज़ कर लीजिए या 1 नंबर, उससे ज़्यादा मत यूज़ करिएगा, क्योंकि फिर वो उसके हेयर्स ज़्यादा होते हैं और आप बिगनर्स हैं तो फिर आपका ख़राब होने का चांसेस है, इसलिए हम लाइनर ब्रश यूज़ करेंगे और बहुत ही आराम से फिनिशिंग के साथ अपनी लीव को आउटलाइन करेंगे।
इस तरीके से अब हम वन बाय वन जितनी भी हमारी लीव है सबको आउटलाइन कर लेंगे। और जब हम उसको आउटलाइन कर लेंगे तो उसमें हम नर्स के तौर पे एक जो है लाइन डालेंगे। अब देखिए मैंने आपको शुरू से बहुत ही आराम से बताया, पहले हम फिल कर लेंगे, फिर आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद एक लाइन डाल देंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें अभी शेडिंग में कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अब आप देखिए जो लीव्स को मैंने अभी आउटलाइन नहीं किया है उसको देखिए, वो एक साइड पर अभी आपको लेफ्ट साइड पर दिख रही होगी और जिसको मैंने कर दिया है। अब दोनों में आप खुद ही डिफरेंस देखिए, है इजी, ज़्यादा शेड्स भी नहीं है, आप कर भी सकते हैं और फिर आपका लुक भी अच्छा हो जाएगा। इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम वन बाय वन जितनी भी अभी हमारी लीव्स बची हैं उसको आउटलाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको फ्लावर पेंट करना बताऊंगी। फ्लावर के लिए मैं लाइट ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें मैंने वाइट पहले ब्रश पे लिया और फिर ऑरेंज कलर में हल्का सा डिप किया और अभी मैं यहाँ फिल कर रही हूँ तो वो लाइट ऑरेंज सा आ रहा है। आपको अगर प्रॉब्लम है, आपके पास पहले से अगर पेंट की कोई भी खाली बॉटल है, आप उसमें वाइट डालिए और थोड़ा सा ऑरेंज वाइट के कंपेरिजन में कम डालिए, मिक्स करिए अच्छे से, आपका हो जाएगा लाइट ऑरेंज, आप उसको फिल कर दीजिए, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारे पेटल को इस तरीके से फिल कर देंगे। अब इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए ब्रश में जो कलर लगा है ज़्यादा है तो हम दूसरे पेटल पे लगा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं, फैब्रिक पेंटिंग में न्यू हैं और फैब्रिक पेंटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए मैंने बिगनर्स कोर्स बनाया था क्लास 1-2 ऐसे करके। मैंने उसमें काफ़ी 16 क्लासेस डाली हैं आई थिंक, उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है बिगनर्स कोर्स के नाम से। वहाँ से आप क्लास 1 से देखेंगे तो मैंने हर वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेड्स बताए हैं, जैसे कि उससे आप वो शेड सीख के आप रियल फ्लावर भी पेंट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको सिंपल फ्लावर से लेके फिर रोज़, और उसमें मैंने बताया कि कौन सा ऐसा शेड है, अगर आप उसको सीख लेंगे तो आप सनफ्लावर वगैरह भी बहुत ईजिली पेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इजी पेंटिंग के मेथड को सीखने को, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वो सारी वीडियोस ज़रूर देखें। उसमें आपको फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो मेक श्योर टू वॉच बिगनर्स कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कॉमेंट में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिए अगर आपको ढूंढने में परेशानी होती है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है। सारे फ्लावर को फिल करने के बाद उसको करना था ऑरेंज कलर से आउटलाइन, जो ऑरेंज आता है उसमें आपको कुछ लाइट शेड नहीं लेना है, डायरेक्टली ऑरेंज। और 0 नंबर का ब्रश लीजिए, 1 नंबर का, और उसको आउटलाइन कर दीजिए फ्लावर के शेप में। ये इसी तरीके से करना था, मेन मुझे आपको यही शो करना था और वो कैमरा पॉज रह गया, मैं ऑन करना भूल गई। जब मैंने ऑन किया तब मैं सारा आउटलाइन कर चुकी थी तो वो मिस हो गया। तो आप लोग समझ लीजिए कि इस तरीके से मैंने आउटलाइन किया जैसे कि मैंने लीव में किया था। और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा शेड डालेंगे। जो हमारी आउटलाइन है अभी तो वो सूखी नहीं है, हमने अभी आउटलाइन की है, तो हम अपने ब्रश में थोड़ा सा ऑरेंज कर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि अभी बेस भी आपका कम्प्लीट ड्राई तो है नहीं और ड्राई बेस चाहिए भी नहीं। खैर मैं आपको बता रही हूँ, और आप थोड़ा कम ही कलर लेंगे ब्रश में और उसको ऊपर की तरफ से शेड करेंगे। जैसे अगर आपको मेहंदी लगाने आती होगी तो हम उसमें क्या करते हैं, कभी नीचे की तरफ से शेड करते हैं, कभी ऊपर की तरफ से। तो इसमें हमें ऊपर के साइड से शेड करते हुए सेंटर की तरफ जाना है, लेकिन ज़्यादा शेड नहीं करना।
क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे जो साइड साइड पर डार्क शेड आ जाएगा। फिल तो हमने पहले से लाइट किया था, तो अभी अब मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये फ्लावर जो है आपको बहुत ही आसानी से शेड होके मिल जाएगा। अगर आपको शेडिंग में प्रॉब्लम है, आप इस मेथड को यूज़ करें, आपको बहुत ही आराम से जल्दी से बन जाएगा। क्योंकि फिल करने के लिए तो मैं आपको ऐसे दिखा रही थी, एक एक पेटल को पेंट कर रही थी, आप डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं। अब वैसे ये तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको एक एक पेटल को दिखाई। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अंदर मैंने डार्क मरून कलर फिल कर दिया है। ये हमें अपनी सिंपल सी डिज़ाइन को खूबसूरत भी बनाना है, वो प्यारी भी लगनी चाहिए, तो कुछ चीज़ों के हम हमेशा ध्यान रखते हैं, इसलिए हम अपने पराग को तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। हमने येलो को छोड़ा क्योंकि अभी येलो उतना अच्छा तो लगेगा नहीं, ऑरेंज ये खुद ही है। हम डार्क कलर के साथ जाएंगे और अंदर एक डॉट हम लगा देंगे लाइट ऑरेंज का। इस तरीके से हमारी डिज़ाइन पेंट होके रेडी है, बिल्कुल ही इजी स्टेप्स के साथ। आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।